हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 41D चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम धर्मेश कुमार वर्मा। आई कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए TGT PGT KVS यानी ऑल एग्ज़ाम ऑफ आर्ट के लिए जो है, हम आपको क्वेश्चंस, पॉइंट्स, नोट्स पूरी व्याख्या करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के सिलसिले में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, जिन्हें आप पूर्ण रूप से देखें, उनके संबंधित कुछ चीज़ें और भी हम दिखाने का जो है प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर करें। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, पूर का राफेल किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, पूर का जो राफेल है वो बाबर के समय का बेहजाद जो है, उसे पूर का राफेल कहा जाता है। चित्रण की उन्नति किसके शासनकाल में हुई? तो फ्रेंड्स, चित्रकला का स्वर्ण जो है वो मुगल काल के समय जहांगीर का हुआ था, जबकि भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग जो था वो अशोक के समय यानी गुप्त मौर्य साम्राज्य में हुआ था, गुप्त साम्राज्य में हुआ था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अगला देखें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिखा है, पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण युग है। तो पहाड़ी चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो कांगड़ा पेंटिंग में दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांगड़ा पेंटिंग जो है वो सबसे चरम या चरमोत्कर्ष थी पहाड़ी पेंटिंगों में। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, पॉइंट्स आप देखेंगे फ्रेंड्स। लिखा हुआ है, भारी मुखमंडल एवं छोटा कद किस शैली की विशेषता है? फ्रेंड्स, ये मंडी शैली की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, कहाँ की विशेषता है ये? तो केशव सेन का पिक्चर कहाँ बना है? तो मंडी में बना, ये भी यहाँ रखेंगे। फ्रेंड्स, कुल्लू शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय है? तो फ्रेंड्स, कुल्लू शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो जेसी फ्रेंच के द्वारा जो है हुआ। तो फ्रेंड्स, और भी इस प्रकार से आपको हम थोड़ा सा बताना है। यहाँ पर लिखा है, मधुबनी किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंसर में बिहार दिया गया है, यानी मधुबनी किस प्रदेश में फैली? तो क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में रहने वाले हैं वासी, और ये जो है बिहार की राजधानी पटना, मतलब पटना बिहार के अंतर्गत पड़ती है। तो इसको मधुबनी को जो है जमुना देवी कलाकार जो है उन्होंने ग्राम जुतापुर में जो है रहने वाली बिहार के उन्होंने शुरू किया था, जो आज इंटरनेशनल पेंटिंग के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, लालचंद किस शैली का कलाकार था? क्या कलाकार हैं? तो फ्रेंड्स, लालचंद जो था वो कंपनी एवं पटना दोनों शैलियों का कलाकार था। लालचंद तो उस्ताद के नाम से जानते हैं, लेकिन लालचंद किस कला शैली का कलाकार था? तो कंपनी शैली, पटना शैली दोनों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंशी घोष किस शैली के कलाकार हैं? तो कालीघाट के ही यंशी घोष में, तो ये दो भाई यंशी घोष, पीसी घोष दो भाई थे। अजंता शैली के चित्र कितने वर्गों में विभक्त हैं? तो फ्रेंड्स, अजंता शैली के चित्र जो हैं वो तीन वर्गों में जो है विभक्त किए गए हैं। नंबर एक है, आपको तीन ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा, नुकीली लंबी नाक, परवल जैसी आँख, कानों तक निकली खींची हुई काजल की रेखा किस शैली की विशेषता है? किस शैली की विशेषता? तो अपभ्रंश शैली की है। नेक्स्ट है, गोल पहाड़ियों एवं कदली वृक्षों का आकार किस शैली की विशेषता है? तो ये गुलेर शैली का जो है चित्र है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए और अपने प्रेम को जो है हमारे साथ बनाए रखने के लिए हमारे
प्रिय शिष्यों, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर आपका किसी नंबर को जो है आप मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।